हे गाइस, मेरा नाम है दक्ष। आप देख रहे हो मावला नॉट यूट्यूब चैनल। तो भाई फाइनली अब रिलीज हो चुका है मॉबियस का फाइनल ट्रेलर, जो कि आप यूट्यूब पे अब देख सकते हो। जिसको देखने से पहले भाई मैं इस ट्रेलर से बहुत उम्मीदें लगाकर बैठा था कि हमें इस ट्रेलर में पिछले आए दोनों ट्रेलर से बहुत अलग सीन्स देखने को मिलेंगे, मगर नहीं, हमें इस ट्रेलर में भी वही सीन्स दिखाए जाते हैं जो कि हमें पुराने आए दोनों टीजर में दिखाए गए थे। तो भाई देखो, अगर यहाँ पर देखा जाए तो भाई इसकी बैटमैन के आगे और डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के आगे यहाँ पर कुछ भी हाइप नहीं बनी हुई। इसलिए मुझे लगा था कि शायद सोनी वाले इस बार कुछ अलग दिखाएंगे, यानी कि इस ट्रेलर में हमें कोई ना कोई स्पाइडरमैन भी देखने को मिल सकता था, यानी कि कोई ना कुछ हिंट भी देखने को मिल सकता था, मगर इस बार भी उन्होंने नहीं किया। चलो इन सारी बातों को साइड रखकर आज मैं ब्रेकडाउन करने वाला हूँ मॉबियस के फाइनल ट्रेलर का, जो कि मेरे को लगता है काफी ज्यादा सिंपल दिखाया गया है, जिसके बाद मेरे अंदर की मॉबियस की हाइप बहुत लो हो गई है। तो चलो अब ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। मगर वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने वीडियो लाइक नहीं करी तो भाई क्या वेट कर रहे हो, तुरंत जाके वीडियो लाइक करो, क्योंकि वीडियो आगे बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। और अगर गलती से भी इस चैनल पे नए टपक पड़े हो तो भाई क्या वेट कर रहे हो, जल्दी से जाकर सब्सक्राइब का बटन दबा दो और मेंबर बन जाओ हमारी मावल नट्स फैमिली का, जहाँ पर हमारे सब भी 1K हो चुके हैं। तो प्लीज इसे जल्दी से 2K में चेंज करवा दो। तो चलो यार, अब ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए लेट्स बिगिन दिस वीडियो। तो भाई ट्रेलर की शुरुआत होती है समुद्र के बिल्कुल बीच में खड़े हुए एक शिप से, जो कि हमें पहले आए दोनों ट्रेलर में देखने को मिल चुका होता है, जहां पर बहुत ज्यादा अंधेरा होता है और कुछ शूटर्स हमारे माइकल को यहां पर मारने के लिए आए हुए होते हैं, जहां पर इतना अंधेरा होता है जिसकी वजह से वो शूटर्स वहां पर कुछ देख नहीं पाते, जिसकी वजह से वो शूटर्स वहां पर मॉबियस के हाथों मारे जाते हैं, यानी कि एक वैम्पायर के हाथों मारे जाते हैं। उसके बाद हमें वही पहाड़ दिखाया जाता है जहां पर माइकल अपना इलाज करने के लिए जाता है, यानी कि काफी सारी बैट्स के पास जाता है, जहां पर हमें उसी के पीछे कुछ आवाज सुनाई देती है किसी बंदे की, जहां पर वो बंदा पूछ रहा होता है माइकल से कि तुमने ये क्या किया है, जिसके रिप्लाई में मॉबियस जवाब देते हुए कहता है कि मैं बस यहाँ पर लोगों की मदद कर रहा हूँ, बस यहाँ पर जो उनका एक क्योर है वो उन लोगों के लिए एक श्राप है। उसके बाद हमें एक सेकंड के सीन के लिए दिखाई जाती है होराइजन बिल्डिंग, जो कि हमें काफी बार देखने को मिल चुकी है एनिमेटेड शोज में, यानी कि स्पाइडरमैन के एनिमेटेड शोज में। यार भाई, कई बार तो मेरे को यहाँ पर इस ट्रेलर को देखने के बाद यहाँ पर ऐसा लग रहा है कहीं सोनी वाले अपना ही स्पाइडरमैन एक और ना बना रहे हो, मतलब एंड्रयू गारफील्ड और टॉबी मैग्वायर को छोड़कर ये यहाँ पर कोई और ही स्पाइडरमैन ना बना रहे हो। उसके बाद आगे ट्रेलर में मॉबियस हमें बताता है कि जो हमें मेरे को ये पावर्स मिली है ना, वो सिर्फ एक ही चीज डिस्क्राइब करती है, मतलब कि एक ही चीज को प्रूव करती है कि मैं अब एक सुपर ह्यूमन बन चुका हूँ, यानी कि बहुत ज्यादा ताकतवर बन चुका हूँ। यहाँ पर इसकी भी एक कॉस्ट लगती है, यानी कि वो बताता है कि यहाँ पर मेरे को इस चीज की भी कुछ कॉस्ट देनी पड़ रही है, मुझे यहाँ पर कुछ चॉइस करना पड़ेगा, मतलब कुछ चूज करना पड़ेगा, या तो मैं बुरे लोगों को यहाँ पर खत्म कर दूं, या उनका खून पी लूं, या फिर मैं यहाँ पर मर जाऊं। जिसके बाद हमें यहाँ पर मॉबियस का मेंटर देखने को मिलता है, जहाँ पर वो उससे बोल रहा होता है कि हम सबके अंदर कोई ना कोई एक छोटा सा राक्षस होता है, जिसका ठेका हमारे सिर के ऊपर होता है, या तो उसे कंट्रोल करो या पूरे के पूरे राक्षस बन जाओ। उसके बाद मॉबियस रिप्लाई देते हुए कहता है कि अगर मैं उसे कंट्रोल ना करूं तो। जिसके बाद हमें देखने को मिलता है एड्रियन टूम्स के वल्चर का एक वेरिएंट, जो कि हमारे मॉबियस से बोल रहा होता है कि ये शक्तियां तो तुम्हारे लिए एक तोहफा है, एक गिफ्ट है, तो इसका तुम पूरे तरीके से यूज करो। उसके बाद हमें वॉइस सुनाई जाती है मॉबियस के एक चाइल्डहुड फ्रेंड की, जिसका नाम होता है लॉक्सियस क्राउन, जो कि इस मूवी में आगे जाकर बनता है हंगर, जो कि एक मेन विलन होगा मॉबियस का, जहां पर वो उससे कह रहा होता है कि हमने पूरी की पूरी लाइफ एक डेथ के साथ गुजारी है, मतलब मरने के साथ गुजारी है कि हम आज मरेंगे कल मरेंगे, हमने पूरी लाइफ हमने डेथ के साथ गुजारी है। जहां पर वो उसे बोलता है क्यों ना ये लोग भी वही महसूस करें जो हमने पूरी जिंदगी महसूस करा है। यहाँ पर वो मॉबियस को गुस्सा दिलाने की कोशिश करता है और उसे बोलता है बस तुम ये याद रखो तुम कौन हो, द बैड गाय। इसके बाद ये ट्रेलर मॉबियस के एक लोगो के साथ एंड होता है, जिसके बाद हमें मॉबियस देखने को मिलता है एक छोटे से जेल में, जहाँ पर पुलिस वाला आता है
और उसके आगे होली वाटर रख देता है, यानी कि गंगा जल रख देता है। जहां पर कोई बंदा बोलता भी है, सच में तुम इसके आगे गंगा जल रखोगे? के बाद वो पुलिस वाला मजाक मजाक में मोबियस से पूछता है, तुमने आज तक लॉस्ट बॉयज देखी है? जहां पर मोबियस रिप्लाई देते हुए कहता है कि हाँ, यही तो मेरी लाइफ की एक स्टोरी है। उसके बाद ये ट्रेलर यहाँ पर खत्म हो जाता है। तो भाई मेरे को ये कमेंट में जरूर बताना कि तुम्हें ये ट्रेलर कैसा लगा है। अपने वीडियो में इस ट्रेलर से रिलेटेड कोई चीज मिस तो नहीं करी या मैं कोई ईस्टर एग बताना भूल गया हूँ? तो भाई वो कमेंट में जरूर बताना। होप सो आपको मेरा ब्रेकडाउन पसंद आया होगा। अगर हाँ तो भाई वीडियो को एक लाइक जरूर दे देना और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर से शेयर कर देना। और अगर गलती से इस चैनल पे नए आ गए हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना, क्योंकि यहाँ पर मार्वल से रिलेटेड बहुत ज्यादा कंटेंट आते रहते हैं। और अगर आपने अभी तक मार्वल नर्ड्स को इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करा है तो भाई क्या वेट कर रहे हो? स्क्रीन पर आपको इंस्टा का यूजर नेम दिख रहा होगा, तुरंत जाकर फॉलो कर लो। डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा, तुरंत जाकर फॉलो जरूर कर लेना। और डिस्क्रिप्शन में आपको एपिक सेंटर की ड्राइव का, यानी कि मार्वल नर्ड्स की एपिक सेंटर ड्राइव का, जहाँ पर सारी की सारी आपको मूवीज, सीरीज, बॉलीवुड मूवीज, हॉलीवुड मूवीज, एमसीयू, पूरा का पूरा डीसी यूनिवर्स, सब कुछ फ्री में देखने को मिलेगा। तो यार जल्दी से जाकर ज्वाइन कर लेना। आपको रिक्वेस्ट डालनी पड़ेगी या अपनी जीमेल आईडी मेरे को इंस्टाग्राम पर डीएम कर देना, यानी कि मार्वल नर्ड्स को इंस्टाग्राम पर डीएम कर देना, आप तुरंत ऐड हो जाओगे। तो चलो गाइज, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलता हूँ अपनी अगली वीडियो में ऐसे ही अमेजिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।